कांग्रेस में गांधी युग कभी खत्म नहीं होने वाला है और जो गांधी परिवार से टकराएगा उसका हश्र यही होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जिन्होंने ये सोचकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी ताकि पार्टी में फेरबदल हो सके, लेकिन इन वरिष्ठ नेताओं का सोनिया गांधी को लेटर लिखना महंगा पड़ गया है। सोनिया गांधी ने ऐसा फेरबदल किया कि कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने सबसे ज्यादा जातीय गुलाम नबी आजाद के साथ किया है। आजाद पूरे टाइम गांधी परिवार की गुलामी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको महासचिव पद से हटा दिया गया है। वहीं अब गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया है। नया अध्यक्ष चुनने में सोनिया की मदद के लिए 6 नेताओं की नई कमेटी बनाई गई है। हालांकि गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नई CWC में बरकरार रखा गया है। वहीं गांधी परिवार की तरफदारी करने वाले दिग्विजय सिंह को CWC में परमानेंट इनवाइटी में शामिल किया गया है। वहीं हाल ही में राजस्थान में पार्टी से बगावत कर चुके सचिन पायलट को अभी कूलिंग ऑफ पीरियड में रखा गया है। उन्हें पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जाए इसका फैसला बाद में होगा। गुलाम नबी आजाद के अलावा मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुई जीनो फेलेरियो को महासचिव पद से हटा दिया गया है। इनमें से गुलाम नबी 29 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को 7 अगस्त को तब चिट्ठी लिखी थी जब वो अस्पताल में भर्ती थी। इस चिट्ठी में नेताओं ने पार्टी में ऐसी फुल टाइम लीडरशिप की मांग की थी जो फील्ड में एक्टिव रहे और उसका असर भी दिखे। माना जा रहा है कि नए CWC का गठन राहुल गांधी के पसंद के मुताबिक हुआ है, क्योंकि सोनिया अब राहुल का रास्ता साफ कर रही हैं ताकि उनकी दोबारा ताजपोशी की जा सके। ऐसे में राहुल फिर नया बखेड़ा खड़ा न करे, इसलिए राहुल के मुताबिक ही अब नया कांग्रेस तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।